हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि समर स्लैम पीपीबी फाइनली खत्म हो चुका है और यहां हमें कुछ न्यू चैंपियन भी देखने को मिले। समर स्लैम की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आपने अगर नहीं देखी है तो लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये पीपीबी खास करके शील्ड और रोमन रेंज के फैंस के लिहाज से काफी अच्छा रहा, जहां रोमन रेंज न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बने और सेथ रॉलिंस भी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोमन रेंज ने काफी लंबे टाइम बाद टाइटल जीत के क्या कहा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज हुई समर स्लैम में एक बार फिर हमें मेन इवेंट में रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। वहीं इस मैच के शुरू होने से पहले मनी इन द बैंक विनर ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं फैंस के दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन कैश इन ना कर लें मौका देख करके, बट ऐसा हुआ नहीं। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच मैच कुछ ज्यादा लंबा नहीं था। शुरू में रोमन रेंज ने 3 सुपरमैन पंच 3 स्पीयर ब्रॉक को दी और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज को 2 बार गर्दन से पकड़ा। रोमन रेंज ने 2 स्पाइन बस्टर मारे ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर ने 3 जर्मन सुप्लेक्स रोमन रेंज को दी और 1 स्पीयर और मैच रोमन रेंज ने जीत लिया। जीत के बाद रोमन रेंज काफी खुश नजर आए। इस मैच में रिंग के बाहर ब्रॉन स्ट्रोमैन भी ब्रॉक लेसनर का शिकार हो गए। ब्रॉक लेसनर ने उन्हें भी F5 और चेयर से मारा। अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच में कैश इन नहीं कर पाए तो उसका क्रेडिट ब्रॉक लेसनर को ही जाता है। इसी मैच के दौरान रोमन रेंज गलती से ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर जाके भी गिरे थे। अब ये था तो गलती से, बट WWE में कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। फैंस ने यहाँ राहत की सांस ली होगी, वो इस वजह से क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों से इनके बीच ब्रॉक लेसनर ही टाइटल जीत रहे थे। इस जीत के बाद रोमन रेंज ने कहा कि वो हमेशा अपनी बात पर खड़े उतरते हैं। इस मैच से पहले रोमन रेंज ने चैंपियन बनने का भी दावा करा था और वो सच हुआ। समर स्लैम पीपीवी में आज वो दिन आया जब फाइनली रोमन रेंज यहाँ चैंपियन बने। इस दिन का वेट खुद रोमन रेंज, WWE और उनके फैंस कर रहे थे। समर स्लैम पीपीवी के मेन इवेंट के बाद 2 सबसे बड़े सवाल सामने आए, जिसमें पहला ये कि ब्रॉक लेसनर का क्या होगा, क्या वो WWE में रुकेंगे या चले जाएंगे। दूसरा ये कि रोमन रेंज के खिलाफ अब कौन उतरेगा। वहीं देखना ये भी होगा कि रोमन रेंज कितने टाइम तक चैंपियन बने रहते हैं और इन सब के बीच ब्रॉन स्ट्रोमैन का क्या रोल होने वाला है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब यूनिवर्सल टाइटल के लिए बाकी सुपरस्टार को भी मौका मिलेगा और अब से हम हर रॉ के एपिसोड में इस टाइटल को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब बटन पे 3 स्पीयर 3 F5 मारकर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से, थैंक यू।